झांसी के ब्लॉक मऊरानीपुर में अखिल भारतीय पंचायत परिषद के तत्वाधान में बुंदेलखंड ग्राम विकास संगोष्ठी एवं पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय पंचायत परिषद प्रदेश अध्यक्ष अशोक जादौन रहे। अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम ने की। अतिथि विधायक बिहारी लाल रही। संगोष्ठी में प्रधानों को सचिवों से अधिक मानदेय दिए जाने, प्रधान की मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने सहित सरकार से अनेक अधिकार दिए जाने की मांग की गई। कार्यक्रम में पत्रकारों, प्रधानों, बीडीसी सदस्यों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान प्रागीलाल अहिरवार, ब्लॉक प्रमुख आनंद सिंह, जिला पंचायत सदस्य प्रतिपाल सिंह सहित जिले के अनेक प्रधान बीडीसी सदस्य उपस्थित थे। हमने प्रतिनिधियों की तरह जनता से चुन के आता है। जब विधायक और सांसदों को इतनी सुख सुविधाएं मिलती हैं तो पंचायत प्रतिनिधि को भी उसके सचिव से ज्यादा मानदेय मिलना चाहिए। अगर कहीं उसको सुरक्षा की जरूरत है तो सुरक्षा के लिए लाइसेंस मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों में फ्री पास मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी प्रतिनिधि का कार्यकाल के अंदर आकस्मिक मौत हो जाती है या दुर्घटना हो जाती है तो सरकार उसके परिवार को 25 लाख रुपए बीमा की व्यवस्था का हो। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य? आज मऊरानीपुर के इस क्षेत्र पंचायत सभागार में अखिल भारतीय पंचायत परिषद द्वारा जो जनप्रतिनिधियों का, ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह यहाँ पर झांसी में आयोजित किया गया है, जिसमें इस परिषद के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय श्री जादौन जी मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं। और इसमें हम सभी जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है उसके अंदर जो ग्राम प्रधान का जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक क्योंकि ग्राम प्रधान का जो कार्य होता है वो सीधा सीधा जनता से जुड़ा हुआ होता है। निर्माण कार्यों के अलावा वो सरकार की योजनाओं के अंतर्गत जो सारी योजनाएं जो आती हैं उनका क्रियान्वयन करने में ग्राम प्रधान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। और हम सभी आज यहाँ झांसी जनपद के तमाम ग्राम प्रधान हमारे बीच में यहाँ पर आए हुए हैं और मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि पंचायत की जो रीढ़ की हड्डी है वो ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान में जब तक गांव का विकास नहीं होगा सही रूप से तब तक ना हम उस ब्लॉक का उद्धार हो सकता है ना ही जिला पंचायत का उद्धार हो सकता है। क्योंकि ग्राम पंचायत का जो हमारा प्रतिनिधि होता है ग्राम प्रधान, वो गरीबों की सारी जन कल्याणकारी योजनाएं, उनका जो भी अनुदान सरकार द्वारा मिलता है उन सभी का जो वितरण है उसी के माध्यम से होता है। आज सभी आए हुए सुदूर क्षेत्रों से ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अब मांग के लिए क्योंकि यहाँ के परिषद के नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं, अब वो जो भी मांग रखेंगे उसको हम लोग शासन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे।